All contestant. Please, all contestant. मैंने ऑफकोर्स शो देखा था पहले और आई फाइंड इट एक्सट्रीमली, मुझे थ्रिलर जॉनर की जो फिल्में होती है बहुत अच्छी लगती है, बट अगर टेलीविजन पे एक्चुअल थ्रिलर है तो आई थिंक इट इज़ मास्टर शेफ, बिकॉज मिनट टू मिनट आपको नहीं पता कि अगले मिनट में एपिसोड के आखिर तक क्या होने वाला है. तो मैं कहानी टू लेकर आई हूँ यहाँ और आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट फिट देयरफॉर. और जजेस से मिली, कंटेस्टेंट से मिली, किस किस से मिली नहीं बताऊँगी बिकॉज फिर आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ. पर बहुत मज़ा आया, खाना टेस्ट किया, कुछ टिप्स भी दिए. हाँ, कुछ टिप्स दिए, कुकिंग किया, इन्होंने मुझे असिस्ट किया. मैंने इन सबको कुछ ना कुछ सिखा दिया है. मजाक कर रही हूँ, मैं कुक बिल्कुल नहीं करती. ऑमलेट बनाया आज आपने? लेकिन कैसा बना था ऑमलेट, कैसा बनाया विद्या? ऐसी इंटेलिजेंट लड़कियां बनाती हैं. सही बोलना पड़ेगा. नहीं, इन्होंने ऑमलेट तो बहुत अच्छा बनाया. जिस तरीके से मैं अंडा तोड़ा था, दैट वाज ये मुझे नया टेक्निक सिखा रहे थे अंडा तोड़ने का. पर इनके, देखिए, एक्टर मैं हूँ ये नहीं, तो इनके चेहरे से मुझे पता चल गया कि ये मुझे मेरी टांग खींच रहे हैं. तो मैंने ऐसे अंडा कट रहा था आरी से. क्योंकि कंटेस्टेंट जो है वो थोड़े नर्वस लग रहते हैं. कितना आपसे कितना सपोर्ट मिला उन्हें, वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा. मैं तो बस सबके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, यू नो. मज़ा आया एपिसोड में ऐसा. आई थिंक आज जब विद्या जी आई हैं तो उन्होंने एक्चुअली हमारे सारे कंटेस्टेंट्स का काफ़ी हौसला बढ़ाया, उनको मोटिवेट करा, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप शायद आए. और मेरे ख्याल से एवरीबडी फेल्ट एट होम विद अस. सो आई थिंक शी एडेड अ लॉट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनर्जी. और इसी कारण है कि आज जो काफ़ी सीरियस चैलेंज था तब भी इतनी ब्यूटीफुली निकला और क्या खूबसूरत डिशेज आज हमारे को ट्राई करने को मिली. मुझे लगता है कि जैसे विद्या इतनी वर्सेटाइल हैं तो आज हमारे होम कुक्स ने भी बहुत वर्सेटाइल डिशेस बनाई. बिल्कुल. आई थिंक विद्या बहुत ही एंडियरिंग थी आज. शी इज़ जनरली, मैं पहली दफ़ा जब इनसे आज मिला हूँ तो व्हाट आई थिंक अबाउट इज़ दैट काफ़ी एंडियरिंग है, काफ़ी लविंग है, बहुत काइंड है. और जब कंटेस्टेंट्स आए थे इनके साथ सामने बिल्कुल भी वो घबराए नहीं. आई थिंक आपने उनको उनके काउंटर्स पर जाकर एक अच्छा बूस्ट दिया. और टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो आपके सारे कमेंट्स वर लाइक एवरीबॉडी इज़ गुड. I found, you know, कि बहुत interesting dishes उन्होंने बनाए, interesting तरीके से पेश किया और taste भी अलग अलग था क्योंकि अलग अलग dishes को उन्होंने एक अलग ही रूप दिया था. तो I quite like that. उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती, आपको episode देखनी पड़ेगी. पर I think मैंने जो सीखा है आज यहाँ से, that वो under pressure, वो अगर काम रहते हैं तो बहुत काम, बहुत उनका अच्छा होता है. यू नो, बिकॉज मास्टर शेफ जब मैं हम देखते हैं तो मैं कभी कभी जब जजेस जाते हैं उनके पास में सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ओ गॉड, उनको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए. पर वो करते हुए उन्होंने अपना काम किया. आई थिंक दैट इज़ इनक्रेडिबल, दैट इज़ फोकस एंड फुल मार्क्स टू देम ऑन दैट. आई थिंक अब कॉम्पिटिशन का ये स्टेज पहुँच चुका है कि प्रेशर की आदत हो चुकी है. लेकिन जब भी कोई बड़ा स्टार आपके जैसा यहाँ पे आता है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है. लेकिन जैसे ही आप आई, आपने उनको इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने एक्चुअली पहले से भी बेटर आज परफॉर्म किया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्रीजिंग देयर हौसला एंड देयर मोरल. थैंक यू. मुझे, यू नो, आई एंजॉयड बीइंग हियर, आई एंजॉयड बीइंग विद ऑल ऑफ यू. तो शायद उस वजह से, यू नो, एवरीवन वाज हैविंग, सीम टू बी हैविंग अ गुड टाइम. दे लव्ड इट. या एंड एक बात मैं बता दूं विद्या के बारे में, आई नो शी इज हियर फॉर कहानी मूवी.
हम दो साल पहले फ्लाइट में थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो शी प्रॉमिस मी आई एम गोना कम ऑन योर शो. या एंड टुडे आई एम हियर एंड यू नो इन्होंने कहानी का जिक्र किया मुझसे फ्लाइट पे और कहानी टू लेकर मैं यहाँ मास्टर शेफ में आई. ये इट्स एन अमेजिंग coincidence. विद्या आपकी कहानी तो सभी ने पसंद की थी, बहुत लोगों ने पसंद की. अब कहानी टू आ रही है, क्या डिफरेंट होगा कहानी टू, क्या डिफरेंट स्टोरी लेके आप लोग? वो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंट है. मैं नहीं बता सकती टीजर अब दो तीन दिन में. जो पोस्टर आया था वो इतना लोगों को ऐसा लगा कि मैंने जब मैं खुद ट्रैवल कर रही थी तो आपके पोस्टर देखे और द पीपल वर सराउंडिंग तो विद्या बालन है, इनका कैसे पोस्टर आओ मर्डरिंग एंड किडनैपिंग, तो क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. उस दिन जिस दिन पोस्टर निकला, मैं जब घर पहुँची और मैं बहुत थकी हुई थी, आई हैड अ लॉन्ग डे. तो हमारे यहाँ एक लड़की है, शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस. तो उन्होंने यू नो वो मुझे खाना परोस रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, ऐसा थक गई हूँ. शी सेड नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम है. मैंने कहा नहीं क्यों? शी सेड नहीं मुझे पता है कोई प्रॉब्लम है. तो यू नो देन आई एक्चुअली रुक था अपना सर कि क्या क्या प्रॉब्लम है. शी सेड नहीं मेरे भाई का फ़ोन आया था. तो मुझे कुछ तब तक मुझे स्ट्राइक भी नहीं हुआ. तो शी सेज मेरे भाई ने बताया कि आप पे गलत आरोप लगा है किसी चीज का. कैन यू बिलीव इट? यू नो किडनैपिंग एंड मर्डर का. तो मैंने पोस्टर तो इट वाज यू नो इट वाज ऑब्वियसली ऑनलाइन एंड एवरीवन्स गॉट इट ऑन व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग. तो मैंने उसको फोटो दिखाया और कहा कि ये तुम्हारे भाई ने देखा. शी सर हाँ ये मुझे भी भेजा. तो आई टोल्ड हर तुम कितनी निडर हो, अगर मैं सचमुच में किसी का मैंने अपहरण किया होता या किसी का मर्डर किया होता तुम आराम से ऐसे खाना परोस रही हो, मुझे पूछ रही हो प्रॉब्लम है कि नहीं. मतलब ये बहुत कुछ कहानी होगी ना, इसलिए वही सोच रही होगी. आई थॉट दैट वाज अमेजिंग, व्हिच मींस दैट या दैट पोस्टर वर्कड. मार्केटिंग वर्क बिल्कुल. ऐसा भी जब कल हम सिद्धार्थ से मिले थे तो उन्होंने भी काफी तारीफ की पोस्टर की आपके. उनका क्या रिएक्शन? अब आप फर्स्ट पोस्टर देखा आपका, अब आप उनसे पूछेंगे कि आपको पोस्टर कैसे लगा? हस्बैंड है मेरे, क्या बोलेंगे? आपको फर्स्ट क्या रिएक्शन मिला जब पोस्टर रिलीज हुआ, आपने दिखाया? आई थिंक जब मैंने उनको पोस्टर रात को दिखाया तो उसके बाद वो सोने गए और चेक करते रहे कि मैं चाकू आपको तो नहीं निकाल रही. नहीं मजाक कर रही हूँ, उनको अच्छा लगा. और बाकी तो उन्होंने आपको बता दिया होगा. तो मैं अर्जुन रामपाल जी आपके जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा रहा. अर्जुन के साथ पहली बार काम कर रही हूँ मैं, पर हम एक दूसरे से फिल्म अवार्ड फंक्शन में वगैरह ऐसे ही मिलते थे जैसे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो. तो जब काम किया साथ में एक दूसरे को थोड़ा और जानने का मौका मिला. एंड ही इज़ वेरी चिल्ड आउट, ही इज़ ग्रेट फन. क्योंकि मास्टर शेफ के सेट पे ही है और दिवाली भी करीब है, तो यहाँ से कुछ टिप्स लेके जा रही हैं आप दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, कुछ ऐसा यूनिक फूड बनाने का कि फैमिली को? या मैंने उन सबको कह दिया है कि मास्टर शेफ से प्रोग्राम से दो तीन दिन की छुट्टी ले लीजिए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाइए और प्लीज़ मेरे घर भेज दीजिए. मैं तो नहीं बना सकती. अगला टास्क इनके घर पे करने का. एग्जैक्टली. अच्छा आप संडे के दिन कभी कभी मास्टर शेफ के मैराथन सेशंस देखते हैं या नहीं? मैराथन सेशंस आई हैव चांस्ड अपॉन इट, पूरा नहीं देखा है, पर इस संडे को मैं ज़रूर देखूंगी. क्योंकि एक के बाद एक इट्स एक्चुअली वो एडिक्टिव हो जाता है, फिर संडे के दिन आप कुछ कर ही नहीं सकते. इशू चल रहा है बहुत बड़ा, आप भी जानती हैं फिल्म को लेके अभी मुश्किल. अगर आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हो क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने पे है और उसका अभी भी मैंने इसकी आई रियली होप ए दिल है मुश्किल रिलीज़ हो और थिएटर्स में सब बहुत कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली फिल्म देखने जाए. क्योंकि देखिए जब फिल्म बनी तब रिश्ते अच्छे थे और अब स्थिति बदल गई है, पर तब तो करण जौहर नहीं जानते थे कि ऐसा सब होगा. अब फिल्म बन चुकी, आगे जाके ऑफकोर्स सब जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो सभी रिस्पेक्ट करेंगे, पर एज ऑफ नाउ आई रियली होप ए दिल है मुश्किल रिलीजेस एंड डज वेरी वेल. एक दिवाली विशेस आपके फैंस को? दिवाली आप लोग सब सारे इकट्ठे सोचते हैं. हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, गॉड ब्लेस यू, मे योर
lives be filled with light during Diwali and all year through. And please be safe. Zyada pollution na badhaye. Thank you. Aur meri cheeza cooking mein khaiya khaiyega. Thank you.